फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के बाल उड़ गए हैं या फिर उनकी बालों की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ब्लॉक हो गई हैं और बाल आ नहीं रहे हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी जो आज मैं लेके आई हूँ। और ये आपको रेगुलर अगर आप 1 से 2 बार इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों में जो जड़ें कमज़ोर हो गई हैं वो घनी हो जाएंगी, अच्छे से मजबूत हो जाएंगी और जहाँ बाल नहीं उग रहे हैं वहाँ भी बाल उगने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, उसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए देखिए, ये मैंने मोटे वाली जो सरसों होती है वो ली है, इसे तड़के में भी यूज़ करते हैं, तो ये मोटे वाली सरसों है। अब सरसों से, जैसे आप सरसों का तेल देखेंगे, सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैं तो हर रेमेडी में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बालों को काला करने का भी काम करता है, बालों को घना भी बनाता है। इसलिए तो ये वही सरसों है जिसका सरसों का तेल बनता है। तो ये मैंने मोटे वाली सरसों ली है, इसे मैंने रात भर, मैंने आपको देखिए इसे मैंने रात भर भिगा के रखा। तो जब आप इसे रात भर भिगा के रखेंगे तो ये मोटी हो जाएगी और भी ज़्यादा फूल जाएगी। फिर आप उसे जब रात भर भिगा के रखेंगे उसके बाद आप सुबह से मिक्सी में इसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो देखिए ये ऐसा पेस्ट बन जाएगा, इसमें जो इसके ऊपर के छिलके हैं वो छिलके आपको अलग ही दिखाई देंगे और जो अंदर का जो इसका गिरी होती है उसका पेस्ट बन के, ये जो येलो येलो सा हो गया है ये पूरा उसका जो पेस्ट है अंदर का वो गिरी का पेस्ट बन गया है। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है बालों के लिए। तो इसे मैंने रात भर भिगा के पीस लिया है। अब आपको इसे बनाना कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसे सबसे पहले हम ये पेस्ट लेंगे, इसके सरसों का जो मैंने पीसा हुआ है उसमें मैं दूसरा मुलैठी का यूज़ करूंगी क्योंकि मुलैठी बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए, बालों की अगर ग्रोथ कम हो गई है उसके लिए बहुत अच्छी है और बालों को दोबारा उगाने के लिए भी मुलैठी का बहुत अच्छा यूज़ होता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए तो हम आज जो सरसों का पेस्ट है उससे और मुलैठी के पाउडर से एक बहुत अच्छा स्प्रे या फिर आप मास्क बनाएंगे हम, जो आप बालों में दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको इसे बता देती हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे, जो हमने ये मुलैठी का पेस्ट लिया है, इसे पहले हम छन्नी में छान लेंगे जिससे कि इसके छिलके अलग और ये जो इसका दूध है वो अलग हो जाए। बालों को तो ये अगर आप हफ्ते में इसे 2 बार यूज करेंगे ना तो आपके बालों को इतना घना बना देगा, 2 बार में ही आपको इसका फर्क लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी है। और आप देखेंगे पुराने टाइम में लोग इसे बहुत यूज करते थे बालों को घना बनाने में, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में। इसलिए अब इसे अच्छे से हम इसका पूरा ये जो मिल्क है वो सारा निकाल लेंगे जो सरसों को हमने पीसा हुआ है। बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा ये, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे यूज़ करेंगे तो। बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन जब हम कोई भी हर्बल चीज़ को बनाते हैं उसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें, क्योंकि आजकल देखेंगे आप हर शैम्पू में हर चीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होता है। कोई भी चीज़ आप मार्केट वाली यूज़ करेंगे तो बिना केमिकल के कुछ भी नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहला तो केमिकल, अगर कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए उसी के लिए केमिकल डालते हैं तो वो तो फिर और नेचुरल बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इस तरीके से बनाएंगे इसे। तो ये देखिए मैंने पूरा प्रेस करके इसे पूरा इसका जो अर्थ था सब निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे छानने के बाद इसमें हम जो 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर है वो लूंगी मैं, इसमें 1 चम्मच मुलैठी और इसमें थोड़ा सा जो ये इसका हमने छाना हुआ है सीरम वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मुलैठी भी क्योंकि मैंने बाजार वाली यूज़ की है तो ये ना थोड़ा बहुत बारीक है तो इसमें इसलिए लम्स बन रहे हैं, बस इसके हमें अच्छे से फेंटना है, इसके लम्स पूरे जो है वो हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम इसे स्प्रे बॉटल में भरेंगे। आप चाहे तो ऑयलिंग की तरह इसे बालों में लगा सकते हैं जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, नहीं तो आप इसे स्प्रे बॉटल में भी भर के यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा छान देंगे जिससे कि हम स्प्रे बॉटल में डालें और जो उसके लम्स वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। ये मैंने आधी कटोरी जो मैंने सरसों का पेस्ट था उसे छान के लिया हुआ है और उसमें मैंने 1 चम्मच जो मुलैठी का पाउडर है वो डाला है। आप इसे थोड़ा ज़्यादा बनाकर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप 5-6 बार का इसे एक बार बना के स्टोर कर लीजिए। अब देखिए उसके बाद मैं इसे थोड़ा साफ कपड़े में छान लूँगी।
क्योंकि जो मेथी के लम्स है, मेथी का जो इसमें रह गया है वो सब निकल जाए, और अच्छे से जो हमने सरसों, क्योंकि हमने सरसों का पेस्ट छन्नी से छाना था, तो हम उसे कपड़े से छानेंगे तो जो उसके भी और भी ज़्यादा जो मोटा हिस्सा है वो सब निकल जाएगा छानने से। अभी देखिए छान लिया है मैंने पूरा अच्छे से, इसका जितना भी था पूरा इफेक्ट निकल गया है मुलेठी का, और जो हमने इसमें सीरम यूज़ किया था। अभी से हम एक साफ बॉटल में भर लेंगे, जिससे कि हम इसे स्प्रे की तरह बालों में लगा सकें। ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ बनाकर शेयर किया, आप इसे थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बालों के लिए। इसलिए अभी देखिए मेरा सीरम ये तैयार है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्प्रे है ये बालों के लिए। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे चाहे तो आप इसे शैम्पू से पहले थोड़ा सा यूज़ कर लीजिएगा, शैम्पू से जैसे आप आधा घंटा पहले आप इसे बालों में अच्छे से जड़ों में स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा, पहले अच्छे से जड़ों में स्प्रे करें, उसके बाद आप इसे पूरे बालों की जो लेंथ है उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा ये। इसलिए तो आप इसे जड़ों में अप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद आप पूरा जितनी लेंथ है आप बालों में अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा बालों को थोड़ी देर ढक लीजिएगा, जिससे कि अच्छे से रूट्स में अप्लाई हो जाइए। इसलिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और हफ्ते में आप इसे 2 बार लगाइएगा, 2 बार या 3 बार जितनी भी आप बार आप शैम्पू करते हैं तो सिर धोने से पहले आप इसे जरूर अप्लाई करके छोड़ दें, कम से कम आधा घंटा जरूर रखें इसे बालों में। तो ये नेचुरल तरीके से आपकी जड़ों को काले करने का काम करेगा, और जो बालों की जो आपकी जड़ें ब्लॉक हो गई हैं उन्हें खोलने का काम करेगा, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा, बालों को बहुत जल्दी मजबूत बनाएगा। हफ्ते भर में अगर हफ्ते में से 2 से 3 बार आप यूज करेंगे ना, तो आपको एक ही बार में एक हफ्ते में इसका फर्क पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे बनाइएगा नेचुरल तरीके से, बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इसलिए तो आप यूज कीजिएगा, कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और प्लीज एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।